टी20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर 2022 से खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी करेगी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा कौन कौन होगा, ये अभी तक साफ होता नजर नहीं आ रहा है। अगर हम पूरी स्क्वाड की बात न करते हुए भारतीय टीम के लिए फर्स्ट ऑर्डर में उतरने वाले दो सलामी बल्लेबाजों की बात करें, तो वहां भी भारत के लिए कौन होगा दो बल्लेबाज, चीजें कुछ साफ दिखाई देती हुई नजर नहीं आ रही है। कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में जिनका भी नाम है, सभी एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली और टीम में अपनी पोजीशन बनाने का दमखम रखते हैं। केएल राहुल, चोटिल के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे केएल राहुल टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर बल्लेबाज काफी फिट बैठते हैं। साल 2021 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल फर्स्ट ऑर्डर बल्लेबाजी कर चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का हुनर रखने वाले यह बल्लेबाज आईपीएल में अपनी टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल केएल राहुल चोटिल हो जाने के कारण जर्मनी में इलाजरत हैं। ईशान किशन, भारतीय युवा बल्लेबाज आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ साथ टीम इंडिया के लिए भी बतौर ओपनर बल्लेबाजी कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया के 5 मैचों के टी20 सीरीज में भारत के तरफ से ईशान किशन ने सबसे अधिक रन बनाए थे। बल्लेबाजी के साथ साथ ईशान किशन विकेट कीपिंग करने में भी माहिर है, तो कहीं न कहीं अगर बीसीसीआई ऋषभ पंत को टीम का हिस्सा बनाने से दरकिनार करती है तो ईशान किशन के बारे में विचार कर सकती है, जो अच्छा विकल्प है बीसीसीआई के पास। शिखर धवन, टीम इंडिया के लिए लगभग हर मैचों में फर्स्ट ऑर्डर बल्लेबाजों की पोजीशन में कायम रहे यह बल्लेबाज कुछ समय से टी20 इंटरनेशनल से बाहर चल रहे हैं। हाल में हुए साउथ अफ्रीका के साथ मैच में भी शिखर धवन को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर पिछले साल हुए टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भी धवन भारत का हिस्सा नहीं थे। आईपीएल में लगातार 7 सीजन कंसिस्टेंसी के साथ 400 से अधिक रन बना रहे यह खिलाड़ी आगामी इंग्लैंड दौरे में भी देखने को नहीं मिलेंगे। धवन को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का कहना है कि शिखर धवन आगामी टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अपनी जगह बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली, आईपीएल में अपनी टीम आरसीबी के लिए बतौर ओपनर की भूमिका निभा चुके विराट कोहली भारतीय टीम के लिए बतौर ओपनर भी दिख सकते हैं। हालांकि विराट कोहली तीसरे नंबर पर हमें टी20 वर्ल्ड कप 2022 में खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन केएल राहुल के इंजरी ठीक नहीं होने पर अगर टीम को एक और ओपनर की जरूरत पड़ी तो उसकी भूमिका विराट कोहली निभा सकते हैं, जिसके बाद हमें विराट कोहली की जगह तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखेंगे। तो ये थी हमारी ओपनिंग जोड़ी, जो संभवतः इसी में से बीसीसीआई द्वारा किसी को बनाया जाएगा। आपके अनुसार इसमें से कौन होगी वह ओपनिंग जोड़ी, हमें कमेंट करके बताएं। क्रिकेट जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और साथ ही दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।